सर हमारे कोई वर्ष के चैरिटी पे के लिए देख रही वीडियो के साथ में आज एक की बीच का आर बायस जस्ट लाइक आपको पता है वी हैव स्टार्टेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन विल बी कंप्लीटेड इन द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ओके तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म जस्ट लाइक आपको पता है बार-बार मैंने वीडियोस इस पे अपलोड की है ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हर एक रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म आपको बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में जो पॉसिबल मैकेनिज्म है जो हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन और हाइपोक्लोरस एसिड के दरमियान कि एल्कीन और हाइपोक्लोरस एसिड के दरमियान कौन से रिएक्शन होते हैं। हम उसमें डिस्कस करेंगे दो चीजें साइमेट्रिक एल्कीन में डिस्कस करेंगे एसाइमेट्रिक एल्कीन में डिस्कस करेंगे। साइमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनी कैप्सूल नहीं होगा जबकि एसाइमेट्रिक एल्कीन में मार्कोनी कैप्सूल जरूर आएगा। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान और हाइपोक्लोरस एसिड के दरमियान। तो चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसमें मैंने पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दिया और इसका नाम क्या हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर मैं हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूं तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं HOCl भी लिख सकते हैं HClO भी लिख सकते हैं और OHCl भी लिख सकते हैं इसी तरह Cl और OH की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जिस फॉर्म में आप लिखे इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। अब इस हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड है और कितने बॉन्ड इसमें बन सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड देन वी विल गो टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है। यहाँ पर दो लोन पेयर बाकी रह जाएंगे यहाँ पर तीन लोन पेयर बाकी रह जाएंगे। तो दैट इज द बॉन्डिंग इन द कौन सा एसिड है मेरे पास हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक हाइपोक्लोरस एसिड जो है इससे हम ऑक्सीजन रिमूव भी कर सकते हैं इसमें तब्दील हो सकता है। किस तरह HOCl अगर ये एटॉमिक ऑक्सीजन लॉस करेगा तो वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही कन्वर्ट हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म कि किस तरह हाइपोक्लोरस एसिड जो है एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह रिएक्शन करता है किस तरह पैदा होता है। तो अगर पहला स्टेप में लिखूंगा तो इसमें मैं लिखूंगा सी एल ओ और एच इस तरह लिख सकता हूँ। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और क्लोरीन मेरे पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल बना लिया और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अटैक करेगा। तो चलिए लिखते हैं एल्कीन। ये मेरे पास एल्कीन है लेकिन इस एल्कीन को क्या कहेंगे इस एल्कीन को हम कहेंगे साइमेट्रिक एल्कीन। साइमेट्रिक एल्कीन क्यों कहते हैं क्योंकि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन हैज इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सच एल्कीन इज कॉल्ड साइमेट्रिक एल्कीन because both the double bond carbon has same number of hydrogen atoms then such alkene will be called as symmetric alkene. Now symmetric alkene will be attacked by the electrophile and the electrophile takes the pi electrons from the symmetric alkene and now it will be attached to either of the carbon atom
So if I want to attach chlorine here, then the next methylene group will become positively charged. Now there is this number of bonding here. Both the electrons have been shifted towards this carbon. Now this carbon become electron deficient. So that is called as carbonium ion. Okay? Carbonium ion will be formed in the second step. Now that carbonium ion is electron deficient center, electron poor center, and it has a positive charge. So it needs a species which is rich in the electron. So this nucleophile, which is called as hydroxyl group, it is electron rich species and it is called as nucleophile. Therefore it attacks at carbonium ion, it attacks at this positive center, and the carbonium ion and the nucleophile will make a bond. So how? This is called as chlorine, and that is called as what? Carbonium ion. Now this carbonium ion will be attacked by this nucleophile. So nucleophile donates electron to the carbonium ion, and the molecule which is formed, that is represented here. Now this is called as the molecule. Chloroethanol is the name of this compound, or chlorohydrin is the name of this compound. It has two functional group. One is that of alkyl halide and the other is that of alcohol. If we go into the priority list, alcohol comes first. So chloroethanol will be the name of this compound. This is the reaction of the symmetric alkene. Now we will write the reaction of asymmetric alkene. Now I want to write asymmetric alkene. How? This is methyl group. CH double bond CH2. This is asymmetric alkene. Okay? Why it is called asymmetric alkene? Because these double bond carbon atom has unequal number of hydrogen atoms. One carbon atom has two hydrogen atoms. The other carbon atom has only one hydrogen atom. Such type of alkene is called as asymmetric alkene. Asymmetric alkene obeys a rule which is called as this one, Markovnikov's rule. With the help of this rule, the positive part of the molecule will be attached to their double bond carbon who has more number of hydrogen atoms. So the positive part will be attached here, and the negative part will be attached here, and the pi bond will be broken. We can write two products. One is according to the Markovnikov's rule. According to this rule, the positive part will be added to the double bond carbon atom who has more number of hydrogen atoms. So here I will write CH2 chlorine, and the negative part will be attached here, which is this number of hydrogen. This is called as product 1, which will be formed as 94%. That is clear from the experimental point of view. Now, if we go against this rule, then it is called as what? Anti-Markovnikov's rule. Iske mutabik, we will go according to this rule. The positive part now will be attached to the double bond carbon atom, which is more less number of hydrogen atoms. So this is against the rule, and hydroxyl are attached here. This is called as product number 2, which is 6%. So this is according to the Markovnikov rule, and this is according to the anti-Markovnikov rule. This rule will be studied in the asymmetric alkene. And according to the rule, the positive part will be always added to the double bond carbon atom which has more number of hydrogen atoms. Or we can also say that the negative part will be added to the double bond carbon atom which has less number of hydrogen atoms. So that is also called as Markovnikov rule.
but if you go against this rule, then it is called anti-Markovnikov rule. According to anti-Markovnikov rule, now this process will become opposite, and the positive part will be added to the carbon, double bond carbon, which has less number of hydrogen atom. Then the product concentration is less, and here the product concentration is more. So this is more stable as compared to this one. So product 1 ka concentration zyada hua hai aur product 2 ka concentration kam hua hai. So aaj ki video mein maine aapko ek reaction bata diya, aur is reaction ka naam hai reaction of hypochlorous acid. Aur hypochlorous acid ko maine do tarikon se add kiya hai, symmetric alkene ke sath bhi add kiya hai, asymmetric alkene ke sath bhi add kiya hai. Symmetric alkene mein Markovnikov rule nahi hoga, asymmetric alkene mein Markovnikov rule hoga. Markovnikov rule mein हम पॉजिटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐड करेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है. एंटी मार्कोनिकोव रूल में हम पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐड करेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे. तो अकॉर्डिंग टू द रूल प्रोडक्ट वन इज मोर कंसंट्रेटेड एंड मोर स्टेबल, और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है 94%. और एंटी मार्कोनिकोव रूल के जरिए जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन जो है 6% है. तो ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह बाकी वीडियो की तरह, और यकीनन इसके बाद आप एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक एल्कीन के साथ हाइपोक्लोरस एसिड विद इन सेकंड ऐड कर सकते हैं. वीडियो को लाइक भी दे, शेयर भी कर ले, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू.